नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। धामपुर सिहारा मार्ग पर चलने वाले ऑटो विक्रम चालकों ने अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। पीड़ित ऑटो विक्रम चालकों का कहना है कि नगीना चौराहे पर उनसे विक्रम चलाने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और न देने पर वह गाली गलौज व अभद्रता करते हैं। इतना ही नहीं, जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेते हैं। उन्होंने COCT से मामले से निजात दिलाने की मांग की। दरअसल धामपुर सिहारा मार्ग पर ऑटो चालक ऑटो चलाकर अपना वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पीड़ित ऑटो चालकों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनसे ऑटो चलाने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है और न देने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कुछ ऑटो चालकों का आरोप है कि प्रतिदिन प्रत्येक ऑटो चालक से 30 रुपए लिए जाते हैं। एक ओर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है तो दूसरी ओर ऑटो चालकों से खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। आज विक्रम चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सभी विक्रम चालक अपने अपने विक्रमों से पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे तथा उनसे हो रही अवैध वसूली के संबंध में शिकायती पत्र देकर अवैध वसूली बंद कराने की मांग की। मेरा नाम मुस्तफा। आज जो सीओ से मिलने आए हो, आपने यहाँ सारे विक्रम खड़े कर रखे हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। ये विक्रम जो खड़े कर रखे हैं ये इसलिए कर रखे हैं, हमसे जो है अवैध वसूली करी जाती है नगीने चौराहे पे वसूली करी जाती है और नहीं देते तो मारपीट पे उतरते हैं और बोलते हैं कि ये पुलिस की 1200 रुपये महीने पुलिस को जाता है। ये पुलिस के नाम पे अवैध वसूली करी जाती है और आरा सहम तिराहे पे भी यही काम है। और 3-4 मुंशी बैठे होते हैं। कितने पैसे ले रहे हैं? एक गाड़ी से रोज के 30 रुपये, 200 रुपये महीना। और आरा सहम तिराहे पे 3-4 मुंशी होते हैं, वहाँ भी अवैध वसूली होती है और ना देने पे जबरदस्ती जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले जाते हैं, मारपीट पे उतरते हैं।